जनरल ओबीसी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को उत्पीड़न की संज्ञा देते हुए यहां जनरल ओबीसी कर्मचारियों ने विरोध तेज कर दिया है। मंगलवार को कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप कार्यालयों में उपवास रखकर कार्य किया। केसी मिश्रा व अनिल जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के उत्पीड़न पर आमादा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। आरोप लगाया कि अन्य संगठनों के दबाव में प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई की जा रही है। चेतावनी दी कि यदि उन पर की जा रही कार्रवाई को स्थगित नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पेश है सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। इसमें हमारा निरंतर प्रोग्राम चलते हुए आ रहा है। जो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी जी हैं, उनके विरुद्ध जो है शासन द्वारा या सरकार द्वारा जो है दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, जो कि गलत है। इसकी जिसके विरोध में हम लोग आज उपवास पर हैं। जनपद के सभी कर्मचारी, जनरल ओबीसी के जितने भी कर्मचारी हैं, वो सभी उपवास पर हैं आज। और इसके अलावा जो है प्रांतीय स्तर से जो हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। अब अगला कार्यक्रम जो है हमारा धरना प्रदर्शन का रहेगा, और इससे पूर्व जो है हम प्रथम दिन जो है हमने काला फितर बात कर विरोध किया गया था, जिससे भी जो है सरकार आज तक का जो है उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई को वापस नहीं ले रही है। और इससे इसको लेकर के सभी कर्मचारी काफ़ी जो है कुंठित हैं, और आने वाले समय में हम लोग जो है अगर इस सरकार जो है दंडात्मक कार्रवाई को वापस नहीं लेती है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसको वापस नहीं करती है, तो हम लोग सड़कों पर उतर करके जो है आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। जनरल ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं दीपक जोशी जी पर जो है सरकार द्वारा जबरन जांच बिठा करके उनकी पुराने कार्यों को, उनको जो जांच बिठाई गई है उसके विषय में हम लोगों को सरकार द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उस विषय में हम लोग सरकार के लिए जो है उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए आज हमारा उपवास का कार्यक्रम है। क्योंकि सरकार का मात्र और मात्र ही काम ही रह गया कि एक निहित एक जाति विशेष और इस प्रकार की बातों को हम लोगों को उलझाना, लड़ाना, झगड़ाना और इस प्रकार का रह गया, जबकि प्रांतीय अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार का कोई भी कथन नहीं किया गया, जिसमें जांच विषय कोई बात ही है नहीं, किसी कर्मचारी की जांच विषय कोई बात है नहीं। और इससे लगातार मानसिक उत्पीड़न होता है और कर्मचारी इसमें बहुत ज़्यादा नाराज हैं, और लगातार जो क्रमबद्ध कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम को हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, और आगे भी जैसे आप देख ही रहे हैं कि लगातार हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं। कोरोना काल हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, अपनी वेतन देने से लेके हो, डीए फ्रीज वाला मामला हो, हमने ना डीए की मांग करी आज तक और ना ही हमने अभी इसके अपने जो एक दिन का वेतन कट रहा है वो हम लगातार हर महीने जो है वेतन दे रहे हैं। अगर सरकार इस प्रकार की कूटनीतियाँ अपनाते रहेगी, कर्मचारी के पीछे ऐसे पड़े रहेगी, जांच बिठाते रहेगी, तो हम सरकार से आगे आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे और सरकार से इस बात की मांग करेंगे हमारा हम एक दिन का वेतन भी हमें बट जो कट रहा है उसे हम नहीं काटेंगे, और जो डीए फ्रीज है उसको खोलने की भी हम मांग करेंगे। क्योंकि जब सरकार कर्मचारी के पक्ष में है ही नहीं तो हम क्यों सरकार के विपक्ष, जबकि हम आज कोरोना काल में जो है विषम परिस्थिति में नौकरी दे रहे हैं, कितने भाई लोग हमारे जो है शहीद हो गए हैं इस कोरोना के उस कार्यक्रम में, तो सरकार को इस बात को समझना चाहिए। और छोटे कर्मचारी संगठन जनरल ओबीसी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जो उत्पीड़न किया जा रहा है उस उत्पीड़न के विरोध में हम जो है लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अगर सरकार इस कार्यक्रम को जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष को अगर राहत नहीं देती है तो बाध्य होंगे हम और भी ज्यादा कार्यक्रम करने के लिए और बहिष्कार करने के लिए।